चलिए फिर इसी तरीके से हम 909 का स्क्वेयर करके देखते हैं, हमें आता है या नहीं। मैंने कहा है कि इन्हें अलग कीजिए। 9 का स्क्वेयर कितना होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वेयर ये भी कितना आएगा? 81 आएगा। 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा कितना होता है? 18। 18 9 जा क्या होता है? 162। मैंने कहा था 2 डिजिट आने चाहिए, ये जी अगर 3 डिजिट आते हैं तो नेक्स्ट में प्लस हो जाएगा। तो 8 1 और 1 2 6 2 8 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम और कोई संख्या लेके देखते हैं, जैसे हम 605 का स्क्वेयर लेते हैं। मैंने कहा इन्हें अलग कर लीजिए। 6 का स्क्वेयर कितना होता है? 36। आप 05 का स्क्वेयर करेंगे 25 आएगा। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। 12 5 जा कितना होता है? 60 होता है। यहाँ 3 डिजिट है ही नहीं, यही आंसर इसका। सोच के चलिए 609 का स्क्वेयर निकालना है। ठीक है, इन्हें अलग कीजिए। 6 का स्क्वेयर कितना होता है? 36 होता है। 09 का स्क्वेयर कितना होता है? 81। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 12 9 जा कितना होता है? 108 होता है। 3 डिजिट हो गई, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 370881 ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से निकालिए।